आज मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट में तय होना है कि कमलनाथ सरकार के पास बहुमत है या नहीं है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, बीजेपी विधायक शरद कौल ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि 105 विधायकों का समर्थन है। हमारे साथ जयप्रकाश त्रिपाठी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, जरा बताइए, शरद कौल ने इस्तीफा दिया, वजह बीजेपी क्या कह रही है? लगातार जहां कांग्रेस दावा कर रही थी सुबह से कि तीन से चार विधायक जो है कांग्रेस के पक्ष में जा सकते हैं, उसका सिलसिला शुरू हो गया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि शरद कौल जो बीजेपी से व्यवहारी से विधायक है, जो लगातार कमलनाथ के संपर्क में थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उस इस्तीफे को विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रजापति ने स्वीकार भी कर लिया है। लेकिन अभी फिलहाल ये जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। बताया जा रहा है कि 12 बजे जब कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ऐसे ही कुछ खुलासे कर सकते हैं कि तीन से चार विधायकों की सहमति जता सकते हैं कि जो बीजेपी के विधायक हैं वो कांग्रेस में आना चाह रहे हैं। क्या आप जयप्रकाश, ऐसा हो सकता है कि ये पहला नंबर है, तीन चार और विधायक इस्तीफा दे दें उससे पहले? जी, एक बार फिर से सवाल दोहराइएगा। सवाल ये है कि ये अभी शरद कौल है, क्या इसी तरीके से तीन चार और विधायक फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा दे दें और विधानसभा अध्यक्ष उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लें? बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि जो है 2 बजे कार्यवाही शुरू की जाएगी विधानसभा की, 12 बजे कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 12:30 बजे विधानसभा अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी आ रही है। मतलब कुल मिलाकर कांग्रेस कुछ ना कुछ सियासी गणित फिट करती नजर आ रही है, क्योंकि नारायण त्रिपाठी जो बीजेपी के विधायक हैं और शरद कौल ये लगातार कमलनाथ के संपर्क में रहे हैं और मैहर को जैसा जिला बनाया गया है, नारायण त्रिपाठी के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई है कि 2 से 3 विधायकों को वो जो है, और ये दोनों नारायण त्रिपाठी और विकास कौल ये दोनों वही विधायक हैं जिन्होंने विधि संशोधन विधेयक पर कमलनाथ सरकार का साथ दिया था, बीजेपी के खिलाफ जाकर कहा था कि विकास के मुद्दे पर उन्होंने कमलनाथ का साथ दिया, और आज शरद कौल ने इस्तीफा दे दिया है।